मथुरा के द्वारकाधीश में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने मंदिर की पूजा अर्चना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भक्तों को दी गोवर्धन पर्व की शुभकामनाएं। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बारिश के चलते स्कूलों और कॉलेज में छुट्टियों की घोषणा। मौसम विभाग ने 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की दी चेतावनी। सुरक्षा को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की बैठक। दिल्ली में AQI 450 के पार हुआ तो लागू होगा ODI फॉर्मूला। वायु गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में दर्ज। गुजराती नववर्ष समारोह में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। स्नेह मिलन कार्यक्रम में भाजपा के कई बड़े पदाधिकारी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दी गुजराती नववर्ष की बधाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाहरलाल नेहरू को दी श्रद्धांजलि। ट्विटर पर लिखा, भारत को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले आधुनिक भारत के निर्माता, लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। बीकानेर से पूर्व विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल गहलोत ने चुनावी मुद्दों पर नवतेज टीवी से खास बातचीत में कहा कि क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है और अस्पतालों को दुरुस्त किया जाना चाहिए और हम विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोड शो करने 16 नवम्बर को बीकानेर आ रहे हैं। गहलोत कई मांगों से होते हुए बीकानेर के जूनागढ़ के बाहर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यशपाल गहलोत का कहना है कि मौजूदा विधायक सिद्धि कुमारी जनता के बीच कभी भी नहीं जाती हैं, सिर्फ चुनाव होता है तभी वह आती हैं। हैं बीकानेर के पूर्व क्षेत्र के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी यशपाल गहलोत। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, सिद्धि कुमारी ही बराबर जीतती आई है। पिछली बार कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में फाइट थी, लेकिन अब फिर फाइट में नजर आ रहा है। बात करते हैं यशपाल जी, क्या कहेंगे? ये एकदम एक तरफा चुनाव है। आप देख सकते हैं कि सिद्धि कुमारी जी का पूरा विरोध है। 15 साल में उन्होंने कभी जनता के लिए कभी उन्होंने अपने जाके कोई हालचाल नहीं पूछा है और पूरा विरोध है सिद्धि कुमारी जी का। हम जहाँ पर भी जा रहे हैं लोग उत्साह से लोग स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग तो जमीन से जुड़े हो। सिद्धि कुमारी जी जो महल की है, महल के अंदर ही रहती है, 5 साल में बाद में चुनाव के वक्त ही वो आती है। यशपाल जी, आप शहर अध्यक्ष रहे हैं, आज भी हैं सर, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम करें तो पूर्व क्षेत्र में, पूर्व क्षेत्र की समस्याएं, किन समस्याओं को फोकस कर रहे हैं? देखिए, आप देख सकते हैं कि सिद्धि कुमारी जी ने जो, आज मैं कई जगह गया तो नाली सड़क काफी समस्या है जिनके लिए पार्क के अंदर डेवलपमेंट की समस्या है। विधायिका जी का कोई रोल नहीं है। एक बार भी वो कभी भी वोट के समय आती है, वोट के समय के बाद वापस कभी जनता के बीच में जाना उनका रहा नहीं है। तो काफी समस्या का सामना कर। उसके अलावा बात करें स्टार प्रचारक के रूप में अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के सीएम है, भी खुद 16 तारीख को आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मीटिंग हुई थी, कार्यकर्ताओं के अंदर बड़ा उत्साह है। 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। आज आप देख सकते हो कि जो फ्लैगशिप योजना है उनका बहुत प्रचार है। लोग उस योजनाओं के लिए बहुत खुश हैं, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे 7 गारंटी योजना हो। वो 16 तारीख को सीएम साहब बीकानेर मेजर पूर्ण सिंह सर्किल से आएंगे और वहाँ पे माल्यार्पण करके अम्बेडकर सर्किल से मॉडर्न मार्केट और मॉर्गन मार्केट से कैम रोड से जूनागढ़ पर जनसभा संबोधित करेंगे। क्या मानते हैं बीकानेर में विकास हुआ है? क्योंकि इतने इतने मंत्री, कैबिनेट, 3 कैबिनेट मंत्री बीकानेर में रहे हैं, उसके बाद भी विकास की जहां स्थिति है वो कहीं ना कहीं दिक्कत रही है। खासतौर पर अगर हम बात करें रेल फाटकों की बात करें तो वो भी अब तक नहीं हो पाया। देखिए, बीकानेर में बहुत विकास हुआ है। आप देख सकते हैं 35 करोड़ रुपए रेल फाटकों के लिए सैंक्शन हो चुके हैं, उसके टेंडर भी लग चुके हैं। और साथ में हमने सीएसी गंगा शहर में पूरी हॉस्पिटल खोली गई है और मेडिकल कॉलेज के अंदर तो 150 सीटें थी, आज 250 सीटें बढ़ गई है। आपके समक्ष
प्रत्याशी हैं सिद्धि कुमारी, जो कि बीकानेर की राजकुमारी भी हैं और बराबर विधायिका भी हैं, कैसा आते हैं उनको? देखिए वो राजकुमारी हैं और विधायिका का तो उन्होंने कोई अपना काम किया नहीं है, विधायिका के रूप में उनकी सेवा नहीं रही है और निश्चित रूप से वो राजघराने से और राजकुमारी जी हैं, वो विधायिका के रूप में जो विधायक सुख दुख में किसी के काम नहीं आ सके वो किस काम का विधायक? तो सरकार रिपीट कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार रिपीट होगी। तो देखिए यशपाल गहलोत जो कि बीकानेर पूर्व से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, निश्चित रूप से देखने वाली बात यह होगी कि जनता किस तरह से लेती है। और वहीं टोंक जिले के गांव सूरजपुर में बिजली का तार टूटने से भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने से पशुओं का चारा और कृषि उपकरण जलकर राख हो गए हैं। किसानों का कहना है कि पिछले कई दिनों से बिजली के तारों में स्पार्किंग हो रही थी, जिसको लेकर कई बार विभाग को अवगत करवाया गया लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ा हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। इसी के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीराम चौधरी मौके पर पहुंचे और परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की। और वहीं श्रीगंगानगर में दिवाली की रात एक दुकान में आग लग गई। दुकान सिटी ट्रेंड सेंटर की है, जहां ग्राउंड फ्लोर पर दुकान स्थित है। आसपास के लोगों ने जब दुकान से धुआं उठता देखा तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और वहीं बीजेपी प्रत्याशी कंवर लाल मीना ने चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मंच पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की बात कही, साथ ही कार्यकर्ताओं को कानून हाथ में लेने की बात कही। इस पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक बारा को पत्र लिखकर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। आप 25 तारीख को बटन दबा के और मुझे इसका इलाज करने की जो सर्जन की डिग्री होती है वो दे दो, हाथ हाथ जोड़ने की बात। पक्का इसका इलाज होगा। और अब तो मैंने पहले तो एक टांग तोड़ने की सोची थी, पर इतनी जनता उमड़ रही है ना तो मेरा दिमाग में गाड़ी में बैठे बैठे लगता है यार दो तोड़नी पड़ेगी, तो ऐसे काम तो नहीं चलेगा। उधर भारत के प्रमुख वैष्णव पीठ उत्तर तोदाद्री गलता में गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेश आचार्य महाराज के पावन सानिध्य में मनाए जा रहे कार्तिक महोत्सव में सोमवती अमावस्या पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान और दान पुण्य आदि किया। गलता पीठ के युवराज स्वामी राघवेंद्र ने बताया कि अमावस पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आवागमन रहा, हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान किया और बाद में ठाकुर जी के दर्शन के साथ ही गलता पीठ में निरंतर चल रहे क्षेत्र में प्रसादी ग्रहण की और गायों को चारा खिलाकर दान पुण्य किया गया। सनातन में कार्तिक माह का अति विशेष महत्व है और शास्त्रों के अनुसार यह माह जो है भगवान विष्णु और तुलसी जी की उपासना पूजा उनकी अर्चना के लिए विशेष माना गया है और यह मोक्ष के लिए और पुण्य प्राप्त करने के लिए एक अति विशेष माह है। इसी क्रम में यहाँ श्री गलता पीठ में पूरे कार्तिक माह में भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, नित्य सुबह से स्नान करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं। यहाँ पर परम पूज्य गलता पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद लेते हैं। बाहर जो यहाँ स्वामी जी के सानिध्य में उनकी प्रेरणा से जो यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है वहाँ प्रसादी आदि ग्रहण करते हैं, गायों को हरा चारा डालते हैं, दान पुण्य करते हैं। इसी क्रम में आज जो कार्तिक अमावस्या है यहाँ पर प्रातः से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन बना हुआ है, लोग कुंड पर जा रहे हैं, जो गलता पीठ में स्थित पवित्र कुंड है वहाँ स्नान कर रहे हैं। अलवर के खैरतल जिले के तेजारा थाना अंतर्गत ढाकपुरी में एक बुजुर्ग व्यक्ति का हाथ कटर से आने से कट गया, जिसको इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि खेत में काम करने के दौरान बुजुर्ग का हाथ थ्रेसर मशीन में आ गया, वहीं स्थानीय लोगों की मदद से बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ को मशीन से बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बारा जिले के भवरगढ़ थाना क्षेत्र के बोरदा क्लोजर में अज्ञात कारण से आग लग गई, जिसकी वजह से आसपास के पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए। करीब एक घंटे तक मौके पर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। वहीं मीडिया के द्वारा वनपाल दीनदयाल सहरिया को दूरभाष पर आग लगने की सूचना दी गई, जिसके बाद वनपाल और चौकीदार मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। साथ ही फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया और आग पर काबू पाया गया। सर आज क्या सारा स्टाफ और अपने जो भी चौकीदार थे वो क्या दिवाली महोत्सव होने के कारण सब 2 बजे के बाद में अपने घर पे चले गए थे, उसके बाद में अज्ञात कारणों के से ये आग लगी है। सर ये कर्मचारी जो हमारे थे वो क्या प्लांटेशन बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण ये क्या आगे की तरफ ना होके पीछे की तरफ जो आग लग रही है जंगल में बढ़ने की संभावना थी, तो उधर वहाँ मौजूद थे सारे के सारे कर्मचारी, मैं खुद कर्मचारियों के साथ मौजूद था। आज हम आए भंवरगढ़ वन खंड के प्रकाशपुरा और बोरदा प्लांटेशन, यहाँ पर अज्ञात कारणों से प्लांटेशन में आग लग चुकी है, जिससे घास पूरी तरह से जल चुका है। यहाँ पर कोई भी प्लांटेशन में कर्मचारी मौजूद नहीं है, नहीं अभी तक वन विभाग के कोई कर्मचारी यहाँ पर आके पहुँचे हैं। यहाँ के पड़ोस के किसान राजा चंदेल द्वारा आग लगने की सूचना मीडिया को दी गई, मीडिया ने आके देखा तो यहाँ पर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, जबकि इन प्लांटेशनों के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा कई गार्ड लगा रखे हैं, वो गार्ड भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी जोरदार तरीके से प्लांटेशन में आग लग चुकी है। हर वर्ष प्लांटेशनों में आग लगती है, ये पौधों की गिनती में उन पौधों को नष्ट बताते हैं और इससे मोटी कमाई भी करते हैं। अभी कुछ समय पूर्व हर वर्ष इन प्लांटेशनों में आग लगती रहती है। ये आग लगने का आखिर कारण क्या है? या तो आग लगाई जाती है या प्रकृति द्वारा लग जाती है, पर जो लाखों रुपए चौकीदारों के रूप में खर्च किए जाते हैं वन विभाग द्वारा, और वो व्यर्थ ही जाते हैं, क्योंकि अभी भी आग को लगे हुए तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, पर यहाँ पर वन विभाग का कोई कर्मचारी नहीं पहुँचा है, नहीं वन विभाग के जो प्लांटेशनों की रुखाली के लिए चौकीदार लगा रखे वो भी नहीं पहुंचे हैं। राजस्थान सरकार व वन विभाग को लाखों रुपए का चुना वन विभाग के कर्मचारी लगा रखे हैं। अवैध खनन के मामले में भी वन विभाग बारा जिले में नंबर 1 है। यहां पर भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। हरीश कुमार शर्मा, ब्यूरो चीफ, बारा। बढ़ते आगे, श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में 350 वर्षों पुरानी परंपरा अनुसार गोवर्धन पूजा व खेकरा मनाया गया, तो वहीं वैष्णव संप्रदाय के प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में अन्नकूट के दर्शन किए गए। इस दर्शन के लिए मंदिर हॉल में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। इसे देखने के लिए हर वर्ष देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और अन्नकूट के दर्शन करते हैं। इस मंदिर में पुरानी परंपरा चली आ रही है कि आदिवासी समाज द्वारा अन्नकूट प्रसाद लूटा जाता है और प्रसाद लूटे जाने के दर्शनों के लिए भी जमावड़ा लगता है। श्री जी हवेली में वर्षों पुरानी पृष्ठी मार्गीय परंपरा अनुसार दीपावली के दिन मंदिर में घुमाता आती है और कान जगाई की रस्म पूरी की जाती है। इसके चलते नाथुवास स्थित गौशाला से गोमाता मंदिर पधारे और कान जगाई की रस्म अदाई कराई गई, तो वहीं अन्नकूट का उत्सव भी मनाया गया। बता दें दोपहर बाद गौशाला से पधारी गायों को ग्वाला बलों द्वारा खूब रिझाया और खिलाया गया, फिर शाम के समय गाय गोवर्धन पूजा के लिए मंदिर के अंदर लाई गई। टोंक जिले के गांव सोहेला चौराहे पर आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते थड़ी ठेलों और दुकानों को चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की, वहीं फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। सूचना पर सिटी CO साले मोहम्मद बरोनी, थाना प्रभारी ओम प्रकाश मौके पर पहुंचे। आशंका जताई जा रही है कि बिजली के तारों में स्पार्किंग के चलते आग लग गई। ये अभी 10-15 मिनट पहले सूचना लगी थी, सोहेला में बस स्टैंड के ऊपर एक दो ठेले, फ्रूट के दो ठेले और एक छोटा केबिन था, ये बीड़ी सिगरेट वगैरह गुटखा बेचते हैं इसका,
इसमें कुछ शॉर्ट सर्किट से आग लगी जिसपे हाथों हाथ दमकल भी आ गई और दमकल के आने से पहले कुछ ट्रैक्टर ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टरों से उसको आग पे काबू पा लिया। अबरूर शहर के लुनियारपुर सैनी मोहल्ले में गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम को लेकर सैनी समाज के लोगों ने मिलकर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा की। बता दें गोवर्धन पूजा को प्रकृति की पूजा भी कहा जाता है। यह परंपरा भगवान श्री कृष्ण के समय से प्रारंभ हुई थी। इस दौरान पर्यावरण के प्रति समाज के सभी लोगों ने पर्यावरण को दोहराने का संकल्प लिया। साथ ही पशुधन यानी गाय बछड़े आदि की आकृतियां भी बनाई गई। इसके साथ सभी ने मिलकर भगवान कृष्ण को दूध से स्नान कराने के बाद उनका पूजन कर अन्नकूट का भोग लगाया। पांच दिवसीय दीपोत्सव के चलते पिंक सिटी जयपुर पर्यटकों से गुलजार नजर आई। जी हां, दीपावली की छुट्टियों का लुफ्त उठाने देशी विदेशी पर्यटक जयपुर भ्रमण पर पहुंच रहे हैं। खासतौर से दीपावली पर जयपुर की रोशनी देख देश दुनिया में प्रसिद्ध होने के चलते यहाँ पर्यटकों की भीड़ नजर आती है। सालों से इसी तरह हजारों की संख्या में विदेशी सैलानी दीपावली पर जयपुर का राजसी वैभव देखने आते हैं और इस साज सज्जा के वे इतने दीवाने हो जाते हैं कि वे यहाँ कई समय तक के लिए रुक जाते हैं। इस पर विदेशी पर्यटकों से हमारे संवाददाता ने की खास बातचीत। पांच दिवसीय दीपोत्सव पर अक्षरधाम मंदिर में 801 व्यंजनों का अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। अक्षरधाम मंदिर में भगवान स्वामी नारायण को 801 व्यंजन अर्पित कर भक्तों को प्रसादी के रूप में व्यंजनों का वितरण किया गया। भगवान स्वामी नारायण के दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। गुजरात समेत अन्य राज्यों से भक्त अन्नकूट प्रसादी लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में भगवान के दर्शन करने के साथ ही प्रसादी के लिए 750 वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई। मंदिर के महंत ने बताया कि भगवान स्वामी नारायण को आज 801 व्यंजनों का भोग लगाया गया है। वहीं मंदिर के संतों द्वारा व्यंजन भी बनाए गए। गोवर्धन पूजा पर अक्षरधाम मंदिर में 801 व्यंजनों का भोग ठाकुर जी को लगाया गया है। यहाँ पर देश विदेश से भक्त जन पहुँच रहे हैं ठाकुर जी के दर्शन करने। अक्षरधाम मंदिर में 801 व्यंजनों का भोग लगाया गया है, जहाँ पर राजस्थान समेत आसपास के जिलों से भी लोग यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करने पहुँच रहे हैं। गोवर्धन पूजा के महापर्व पर ठाकुर जी को 801 व्यंजनों का भोग लगाया गया है, जहां पर साधु संतों ने भी ठाकुर जी के भोग के लिए प्रसादी बनाई है। ये आपको बता रही हैं, जहां अक्षरधाम मंदिर में ठाकुर जी को 801 व्यंजनों का भोग लगाया गया है। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।